आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। यूरिया की कालाबाजारी को लेकर मीडिया द्वारा किए गए खुलासे के बाद अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शुक्रवार की शाम ईओडब्ल्यू की टीम ने एक साथ रीवा और सतना के उप संचालक कृषि के कार्यालय में दबिश दी है। एक टीम ने रीवा में उपसंचालक कृषि कार्यालय के अधिकारियों से आवंटित खाद एवं वितरण की जानकारी के संबंध में दस्तावेज लिए हैं, तो वहीं दूसरी टीम ने सतना में भी रिकॉर्ड जुटाए हैं। हालांकि अभी किसी को भी मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले कुछ विक्रेताओं के नाम सामने जरूर आए हैं। बताया जा रहा है कि रीवा और सतना जिले में व्यापक स्तर पर यूरिया की कालाबाजारी सेवा सहकारी समिति में हुई है। यह बड़ा खुलासा सत्यापन के दौरान हुआ। बताया गया कि 5 समितियों ने जिन किसानों को खाद दी है उनके पास जमीन ही नहीं है। गोविंदगढ़ समिति में 200 बोरी खाद राजीव गुप्ता नाम के कृषक को दे दी गई। इतना ही नहीं, कालाबाजारी में निजी विक्रेताओं के भी नाम सामने आए, जिनमें एक दुकानदार ने अपनी पत्नी व बेटे के नाम पर 39 टन खाद दिखाकर मनमानी कीमत पर बाजार में बेच दिया। प्रशासन ने 16 लोगों को नोटिस जारी की है। बताया गया कि खाद की कालाबाजारी होने से शासन को करोड़ों की क्षति हुई है। हम आपको बता दें कि सरकार किसानों को यूरिया खाद पर 80% सब्सिडी देती है, लेकिन सेवा सहकारी समिति विक्रेता और विपणन की साठगांठ से कालाबाजारी की जा रही है। इससे जहां शासन को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है, तो वहीं किसानों को सस्ती खाद भी नहीं मिल पा रही है। यह खुलासा होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने रीवा और सतना जिले में खाद वितरण करने वाली संस्था विपणन संघ सेवा सहकारी समिति और मॉनिटरिंग करने वाली कृषि विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू एसपी वीरेंद्र जैन ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी मामले में शिकायत पंजीबद्ध की गई है। रीवा और सतना में टीम ने जांच प्रारंभ कर दी है और अभी तक मामले में किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया है। जांच के दौरान जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये आर्थिक अपराध ब्यूरो भोपाल मुख्यालय महानिदेशक महोदय के निर्देश से यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जांच के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी के सिलसिले में यहाँ जानकारी हम लोग एकत्रित करने के लिए ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पर आई हुई है। अभी तो हम दस्तावेजों का जो है संकलन कर रहे हैं और आगे दस्तावेज मिलने के बाद जैसी स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। जी अभी तो दस्तावेजों का संकलन है। टीम में हम लोग 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यीय टीम यहाँ पर आई हुई है। नाम हम पृथक।